मैं डॉक्टर अभय कुमार, हिंदी विभाग, BRM कॉलेज मुंगेर, मुंगेर विश्वविद्यालय। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे आज जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो हिंदी ऑनर्स प्रथम वर्ष में एक चैप्टर है, आलोचना का स्वरूप। आलोचना का कार्य मुख्य रूप से साहित्य की व्याख्या, साहित्य के गुण दोष बताना और उसके दिशा का निर्माण करना आदि है। ये मुख्य रूप से बातें आलोचना के संदर्भ में कही जाती हैं, लेकिन आलोचना के संदर्भगत स्वरूप को अगर देखना हो तो जो आलोचना के प्रमुख कार्य हैं वह टेरी इगल्टन, जो पाश्चात्य आलोचक हैं, उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि पाठक और रचनाकार के बीच आलोचक सेतु का कार्य करता है। मतलब कि जो रचनाकार रचता है और उस रचना में आए हुए संदर्भों को पाठक उसी तरह नहीं ले पाता, तो उस कमी को या उसकी विशेषताओं को आलोचक वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। आलोचना के स्वरूप विषय पर बात करते हुए हम कुछ परिभाषाओं को लेंगे और कुछ आलोचना के संदर्भ में जो बातें आई हैं व्याख्या के रूप में वह भी मैं प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर गुलाब राय ने आलोचना की परिभाषा को इस तरह से कहा है कि आलोचना का मुख्य उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार से आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। मतलब स्पष्ट है कि जो आलोचक हैं और किसी भी कृति की वो जिस तरह से वह देखते हैं या फिर उसका आनंद प्राप्त करते हैं, पाठकों को भी उसी तरह के आनंद से, उसी तरह की व्याख्या से, उसी तरह के उद्देश्यों को प्रस्तुत करना है। इसी तरह बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा देते हुए उन्होंने जीवन से जोड़ा है कि साहित्य का संबंध समाज से है। जैसे आप जानते हैं कि साहित्य का जन्म समाज में होता है, साहित्य समाज से प्रभावित होता है और फिर समाज को प्रभावित करता है। साहित्य समाज के अंतः संबंधों की व्याख्या हम इस तरह कर सकते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। इसी तरह से प्रेमचंद ने भी साहित्य जीवन की आलोचना है कहा है। मतलब कि आलोचना कर्म किसी कृति की व्याख्या है और उस कृति की व्याख्या को समसामयिक संदर्भ में देखना होगा। यदि हम भक्ति काल की रचनाओं को देखें तो भक्ति काल के संदर्भ में उसकी व्याख्या करनी होगी। रीति काल हों या फिर रीति काल के बाद जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं, अगर हम उसे समसामयिक संदर्भ से या फिर समसामयिक बोध से नहीं जोड़ते हैं तो वह आलोचना अधूरी होगी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नामवर सिंह कहते हैं कि आलोचना का कार्य संश्लिष्ट समसामयिक बोधों को परिभाषित करना और संगठित करना है। साहित्य में जो समसामयिक संदर्भ होते हैं वह महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि पाठक और लेखक उसी समाज से होते हैं और उस समाज के संदर्भों को लेखक किस तरह से चुनता है, किस तरह से बीनता है, किस तरह के साहित्यिक ताने बाने में उसे सजाता है, उन ताने बानों को आलोचक एक नई दृष्टि प्रदान करता है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर आलोचना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, कैसे इसको हम जाने। तो इसके लिए हम थोड़ा यूनानी भाषा में जाएं और रेने बेलेक, एक बहुत प्रसिद्ध
पाश्चात्य आलोचक हैं, उनकी किताब है आलोचना की अवधारणा, उसमें उन्होंने जो आलोचना को लेकर जिक्र किया है वह है कि यूनानी भाषा में क्राइटिस एक शब्द है, क्राइटिस, और यह शब्द जो है लगभग ईसा पूर्व चौथी सदी का है, और उसमें जो क्राइटिस का अर्थ है जज, जिसको आप न्यायाधीश कहते हैं, और साहित्य में जब इसको हम लाते हैं तो वह क्रिटिकेस के नाम से जाना जाता है, क्रिटिकोस, और क्रिटिकोस का अर्थ होता है साहित्य का जज। इसका मतलब कि ऊपर की व्याख्या जो डॉक्टर गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर व्याख्या के रूप में प्रेमचंद और नामवर सिंह ने जिस तरह से व्याख्यायित किया है कि आलोचक एक जज की तरह है, जो वह साहित्य की कृति के प्रति अपना न्याय देता है, और यह न्याय किस तरह समीचीन होगा, अर्थपूर्ण होगा, वह हम विभिन्न आलोचकों की दृष्टि से देखते हैं। अब सवाल उठता है कि इस क्रम को कैसे हिंदी साहित्य में आगे बढ़ाया गया, तो हम आपको लिए चलते हैं हिंदी प्रदीप में 1881 में एक निबंध प्रकाशित हुआ था, और उस निबंध का निबंध के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट, और उस निबंध का शीर्षक ही था साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अब देखिए यहाँ पर साहित्य और समाज के संबंधों को अगर आप इससे जोड़ें तो यह स्पष्ट रूप से आपको ज्ञात होगा कि कोई भी साहित्य समाज से अलग होकर अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। इन्होंने ज्ञान राशि को जोड़ा, और वहीं पर आप जब रामचंद्र शुक्ल के पास आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि जबकि प्रदेश देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह जो साहित्य में जो दर्पण के जो सिद्धांत हैं, आप अगर उसकी ओर देखें, जैसे आप आमतौर पर सुनते होंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है, और दर्पणवादी सिद्धांत में यह व्याख्या की गई कि साहित्य समाज का दर्पण है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यह दीपक है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये डायनेमो है। मतलब कि जो समाज में चीज़ें व्याप्त होती है उसको केंद्र में लाना, उसको प्रकाशित करना भी साहित्य का काम है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि आलोचना की दिशा में अगर इसके महत्वपूर्ण योगदान को देखें तो आप पाएंगे कि आलोचना के कारण ही बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि भी प्रकाश में आए, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम गजानन माधव मुक्तिबोध का आता है। और गजानन माधव मुक्तिबोध जब आलोचना के क्षेत्र में अपनी अन्य कृतियों की जब वो व्याख्या करते हैं तो उसी संदर्भ में मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना की पुस्तक लिखी, और उसमें जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी की आलोचना कर उसमें एक नए दृष्टिकोण को स्थापित किया। अब आप समझ सकते हैं कि जो आलोचना का जो स्वरूप है और आलोचना के जो कर्तव्य हैं उसके चरण को क्रमशः अगर आप देखें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आलोचना के विकास के जो कारण रहे हैं वह निम्नलिखित बिंदुओं पर भी हम विचार कर सकते हैं, जैसे कि मुद्रण कला का विकास। जब छपाई कारखानों की स्थापना हुई तो किसी भी विषय को कई जगहों तक एक रूप में वह स्थानांतरित किया, लोगों के पास पहुंचाया। दूसरा कि राजनीतिक जागृति। तीसरा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, स्कूल कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई, पुस्तकों के प्रकाशन में वृद्धि, हिंदी में गद्य का प्रभाव, ये जो मुख्य कारण रहे हैं आलोचना के विकास के
और इसमें भी जो सबसे प्रमुख कारण रहा है कि हिंदी आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, और साथ ही जो बौद्धिक विकास हुए, जो तार्किक विकास हुए, वह भी आलोचना के विकास के प्रमुख कारक रहे हैं। अब हम विषयगत आधार पर अगर हम देखें कि हिंदी साहित्य में आलोचना का जो क्रमिक विकास है, उसे हम तीन युगों में बांट सकते हैं, और तीन युगों में बांटने के जो आधार हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आलोचना की एक वैज्ञानिक दृष्टि का सूत्रपात किया, और वहीं से हम इसे तीन युगों में बांटते हुए जो प्रथम युग है वह शुक्ल पूर्व युग है, जो 1850 से 1920 तक है। दूसरा युग शुक्ल युग है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर है, और वह युग 1920 से 1940 तक है। और फिर शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग है, जो 1940 के बाद का है। आपने इस तरह से देखा कि हिंदी साहित्य में जो आलोचना का जो युग है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 के बाद। आप देखेंगे कि जो आलोचना का जो क्रमिक विकास है, इस विकास को भी हम कई खंडों में बांटकर समझ सकते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना 1850 से 1920 को भी हम तीन भागों में बांटकर समझ सकते हैं, और यह जो तीन भाग है, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन आलोचना और द्विवेदी युगीन आलोचना। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह 1850 से आरंभ होता है, और 1850 के बाद हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लिखित है। इसीलिए आलोचना के क्षेत्र में भी भारतेंदु को केंद्र में रख करके और आलोचना के युग का बंटवारा किया गया, जिसमें भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन आलोचना और द्विवेदी युगीन आलोचना। द्विवेदी युगीन आलोचना का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी से है। आप देखेंगे कि भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना में जो मुख्य रूप से चीजें आई थीं वह था निंदा स्तुति, ये सब चीजें भारतेंदु काल तक चलती रही हैं, और इसको आप देखेंगे तो आप जानते होंगे कि भक्ति काल में नाभादास का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें संत भक्त कवियों की जानकारी दी गई है, उनकी स्तुति की गई है, और रीति काल में आकर सरदार कवि ने मानस रहस्य में रीतिकालीन समीक्षा के आदर्श के अनुरूप शास्त्रीय समीक्षा की है। मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि रीति काल तक जो आलोचना के स्वरूप हैं वह या तो स्तुतिपूर्ण है, या फिर मोटे तौर पर एक टिप्पणियों टीका टिप्पणियों के माध्यम से उपस्थित हुआ है। लेकिन जो हिंदी आलोचना की बुनियाद हम कह सकते हैं वह भारतेंदु युग से ही शुरू होता है। आप जानते हैं कि भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध में नाटकों की समीक्षा प्रस्तुत की, और वहीं से हम हिंदी आलोचना की शुरुआत मानते भी हैं। लेकिन भारतेंदु योगीन आलोचना में भी हम पाते हैं कि रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा की सांस्कृतिक आलोचना हुई, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई, टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना है, इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना है। इसमें रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारे आलोचक जो एक तरह से टीका टिप्पणी कर रहे थे कि बिहारी बड़े हैं कि देवदेव बड़े हैं कि बिहारी, या फिर भारतेंदु ने खुद भी लिखा है कि हिंदी भाषा ब्रज भाषा की कीचुल छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, या फिर जो इतिहास ग्रंथों की रचना शुरू हुई। हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं कि किस तरह से जो आलोचक आए और हिंदी साहित्य के इतिहास को संजोने का काम किया, लेखन का काम किया, भले ही वो बहुत तार्किक और अतार्किक दृष्टिकोण से गुजरे, उसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन एक प्रयास हम पाते हैं।
भारतेंदु युग में जो प्रमुख आलोचक हुए उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद हिंदी आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में प्रवेश करती है और इस युग में आकर जो आलोचना के जो स्वरूप हैं वह बहुत ही सुदृढ़ होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन आलोचना को अगर आप देखेंगे तो इनके भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पर कि हम विचार कर सकते हैं। इन बिंदुओं में शास्त्रीय आलोचना प्रमुख है और शास्त्रीय आलोचना से तात्पर्य है कि जो जो शास्त्र आधारित ग्रंथ लिखे गए थे उसके ऊपर में टीका टिप्पणी है। दूसरा है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना में पदम सिंह शर्मा ने 1907 में सादी और बिहारी पर तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद अनुसंधान परक आलोचना। आप जानते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में नागरिक प्रचारणी पत्रिका जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और नागरिक प्रचारणी पत्रिका ने जो कोई विषय है किसी भी विषय पे एक एक अनुसंधान परक दृष्टि रख करके काम किया। परिचयात्मक आलोचना इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया और इसमें समालोचना समुच्चय नाम से एक पुस्तक लिख करके आलोचना को एक नई दिशा दी। व्याख्यात्मक आलोचना में किसी भी कृति की व्याख्या प्रस्तुत करके एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसमें जैसे कि हम आप कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगता स्वयंवर पर हिंदी प्रदीप में व्याख्यात्मक आलोचना को एक नया आयाम दिया। इस तरह से अभी आप देख रहे थे कि आलोचना क्रम के विकास में जो 1920 तक का समय है वह किस तरह से आलोचना क्रम को आगे बढ़ाया है। अब हम आते हैं शुक्ल योगीन आलोचना पे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी कि आलोचना का वैज्ञानिक विकास का जो आधार है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और वह जो काल है वह 1920 से 1940 तक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर विचार करें तो उसमें तीन आधार महत्वपूर्ण हैं जिसके आधार पर शुक्ल ने आलोचना को एक नई दिशा दी। उसमें से विश्लेषण, एनालिसिस, विवेचन, इंटरप्रिटेशन, निगमन, इंट्रोडक्शन। कोई कृति की जो आलोचना है उसमें हम विश्लेषण, विवेचन और निगमन के आधार पर कर सकते हैं और शुक्ल योगीन आलोचना के मानदंडों को अगर हम देखें तो वह नैतिकता एवं सुरुचि, शास्त्रीयता, देश काल की समीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कि तुलना और निर्णय, दो कृतियों के बीच तुलना और उसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं वह शुक्ल योगीन आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है। और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से चार भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यह जो एक आलोचना दृष्टि रही इतिहास को लेकर के उसी तरह से साहित्य कृति को लेकर भी कई आलोचनात्मक दृष्टियां रही और इस युग के जो प्रमुख आलोचक हैं वह बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कई आलोचक हैं जिन्होंने की इस पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली। शुक्ल के बाद जो तीसरा काल है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना जो 1940 के बाद है और आप जानते हैं कि 1940 के बाद की जो भारत की स्थिति थी आज़ादी के करीब आ रहे थे, 1947 में आज़ादी मिली और उस समय साहित्य में भी इसके प्रति जो रुझान थे वह भी महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में जो छायावाद है और छायावाद के बाद जो भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता वगैरह का जो ये क्रमिक विकास है वह कहीं न कहीं आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर ही है और शुक्लोत्तर
हिंदी आलोचना में आप पाएंगे कि स्वच्छंदतावादी आलोचना, जिसमें कि नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र शांतिप्रिय द्विवेदी, ऐतिहासिक समीक्षा अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक समीक्षक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख हैं, और उसमें आप कबीर, जो उनकी पुस्तक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को वह स्थान नहीं दिया जो कि तुलसीदास और सूरदास को दिया है, लेकिन ऐतिहासिक समीक्षा के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की एक नई स्थापना दी और भक्ति काल को एक नए तरह से परिभाषित भी किया। जैसा कि शुक्ल ने कहा है कि अगर जो जो भक्ति काल का जो आगमन है वह मुसलमानों के आक्रमण से है और हताश हिंदू जनता के पास में ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक समीक्षा है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि अगर मुसलमानों का आक्रमण नहीं भी हुआ होता तो भक्ति काल का 12 आना साहित्य ऐसा ही होता। अब आप सोच सकते हैं कि जो ऐतिहासिक दृष्टि है, और किसी भी आलोचक की आलोचना उसके ऐतिहासिक दृष्टि पर भी निर्भर करता है। अगर वह इतिहास को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझना चाहता है तो इतिहास में सांस्कृतिक गतिविधियों को केंद्र में रखेगा। वहीं आप जब इरफान हबीब के पास जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो भक्ति काल में जो निम्न जाति में जो भक्ति की जो गूंज नजर आती है, जो सुनाई देती है, वह इसलिए कि आर्थिक उपलब्धि निम्न जातियों में ज़्यादा हुई है। अब ये आप सोच सकते हैं कि भिन्न भिन्न इतिहास दृष्टि होने के चलते जो ऐतिहासिक समीक्षा है उसके आधार भी बदलते हैं। मार्क्सवादी आलोचना, आप जानते हैं कि विश्व के स्तर पर मार्क्सवाद किस तरह से फैला, और मार्क्सवाद का जो आधार था कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक होता है और एक शोषित होते हैं। शोषकों का वर्ग हमेशा शोषितों को नुकसान कर हो या फिर जिस भी तरह से अपना फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, एलिनिएशन थ्योरी। कई तरह के सिद्धांतों के आधार पर मार्क्स ने यह साबित किया कि जो समाज है वह आर्थिक समाज है। इस आधार पर हम समाज को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद हुए। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ साथ साहित्य के महत्व पर भी एक बड़ा व्याख्यान दिया, और उसने साहित्य और समाज के अंतः संबंधों की व्याख्या की, और उस पर उन्होंने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, जो कि शुरू में ही आपसे हमने डिस्कस किया था। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की सोच को निर्धारित करता है, और मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में के जो आधार हैं वह फ्रायड, एडलर और यूंग के विचारों का प्रभाव है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रायड किस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य के अंदर जो कुंठाएं होती है वह किस तरह से प्रभाव डालती है, जो दमित इच्छाएं होती है वह किस तरह से मानवीय जीवन को प्रभावित करता है, उस आधार पर समीक्षा की एक नई दृष्टि उत्पन्न हुई। और इस दृष्टि में जो आलोचक सामने आए उसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे, इलाचंद जोशी, ये प्रमुख हैं। इसके बाद एक नई समीक्षा पद्धति विकसित हुई, और नई समीक्षा पद्धति में व्यक्ति स्वतंत्र को केंद्र में रखा गया। अभी तक आप देखेंगे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में आप पढ़ें गोदान, उसमें समूह की अभिव्यक्ति है, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के बाद व्यक्तिवाद का विशेष प्रभाव पड़ा और साहित्य ने इसको स्वीकारा भी। इस नई समीक्षा के जो समीक्षक हुए उसमें, जैसा कि आपसे कहा था, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे, मुक्तिबोध के बारे में हमने बात किया था आपसे, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नेमी चंद्र जैन, लक्ष्मीकांत वर्मा,
नामवर सिंह, आप देखेंगे कि कैसे क्रमशः व्यक्ति, समूह और समूह से व्यक्ति की जो यात्रा है आलोचना में भी नजर आती है। नामवर सिंह ने छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और इतिहास और आलोचना नाम की पुस्तक में उन्होंने आलोचना को एक नए सिरे से स्थापित किया और कहा कि आलोचक का काम रचना को एक नई दृष्टि प्रदान करना है, यह नहीं कि हम उसमें एक आतंकवादी की तरह उसमें प्रवेश करें, एक आतंकवाद क्रिएट करें और किसी भी रचना को खारिज करने के लिए हम अपनी तर्कपूर्ण शक्ति का उपयोग करें। और जिसको कि नामवर सिंह ने शुरू में ही कहा था कि किसी भी रचना की समीक्षा समसामयिक बोध के आधार पर होनी चाहिए और समसामयिक बोध के आधार पर उन्होंने अपनी इतिहास और आलोचना दृष्टि में एक नए बिंदु को स्थापित किया। नई समीक्षा के जो और प्रमुख आलोचक हैं वो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये जो एक आलोचना का इतिहास है, आलोचना के जो स्वरूप हैं उस पर हमने बात किया, लेकिन अभी तक जो बात हमने आपके सामने रखी है वो एक एक उस समय की स्थापना है जब साहित्य अपनी आलोचना के साथ सफर कर रही थी, लेकिन बाद के दिनों में साहित्य में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श पर जब काम होने लगा, जब इस पर किताबें आने लगी और साहित्य की सभी विधाओं में इस पर पुस्तकें आने लगी, तो एक नई समीक्षा की गूंज सुनाई देती है। जब मैं अपनी किताब हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पर काम कर रहा था तो उसमें हमने देखा कि इस काल को हम क्या कहें नई समीक्षा के बाद, तब मुझे लगा कि जो व्यक्ति, पहले समूह, समूह से व्यक्ति और व्यक्ति के बाद जो व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप जो समाज में जो प्रभाव पड़ रहे हैं और उस प्रभाव से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो कौन हैं, हमने पाया कि उसमें समाज की आधी आबादी स्त्री, जो समाज से निकाले गए लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं, वो दलित हैं, आदिवासी हैं, तो क्या इनके साहित्य की भी समीक्षा संभव है या नहीं। और हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसमें हमने इस काल को मानववाद, मानव काल कहा, और अगर मानव काल है जिसमें एक व्यक्ति और समूह जो समाज के द्वारा प्रताड़ित है तो उसकी भी एक नई समीक्षा होनी चाहिए और उसको हमने मानववादी आलोचना कहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि जो आलोचना का जो स्वरूप है और जो उसका क्रमिक विकास है किस तरह तय होता है। आशा है कि आलोचना का स्वरूप, यह एक संक्षिप्त व्याख्यान, आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इस उपयोगिता के साथ में आपको कुछ लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।